लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद से ही विपक्ष में निराशा का माहौल है। ना कोई बयान आ रहा है और ना ही कोई सामने आने को तैयार है। आरजेडी अध्यक्ष लालू यादव ने तो खाना पीना तक त्याग दिया था, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई थी। हालांकि डॉक्टरों के समझाने के बाद अब लालू यादव ने फिर से खाना शुरू कर दिया है। बिहार में आरजेडी की धाक जमाने वाले लालू यादव चारे के चक्कर में जेल किया गए कि चुनाव में पार्टी का बंटाधार हो गया। जातिवाद की राजनीति से बिहार में कई साल तक राज करने वाली आरजेडी इस बार के लोकसभा चुनाव में अपना खाता तक नहीं खोल पाई, जबकि 2014 के लोकसभा चुनाव में आरजेडी ने 4 सीटों पर जीत हासिल की थी। इस बार अच्छे प्रदर्शन के लिए आरजेडी ने महागठबंधन भी किया। बेटे तेजस्वी ने एनडीए को कड़े तेवर भी दिखाए, लेकिन कुछ कमाल नहीं कर पाए, जबकि एनडीए ने 40 में से 39 का आंकड़ा पार कर लिया। पार्टी के इस बेहद निराशाजनक प्रदर्शन से पार्टी प्रमुख लालू यादव इस कदर निराश हुए कि खाना पीना तक छोड़ दिया, जिससे रिम्स अस्पताल में उनकी तबीयत बिगड़ गई। आरजेडी प्रमुख के खराब स्वास्थ्य को लेकर जहां परिवार की परेशानी बढ़ी, तो वहीं डॉक्टर्स भी मुश्किल में पड़ गए। लेकिन लालू यादव किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थे। 2 दिनों से उनके मन मनोवर का दौर जारी था, जिसके बाद आखिरकार सोमवार को लालू ने जिद छोड़ी और खाना शुरू किया। डॉक्टरों की टीम के प्रमुख डॉक्टर उमेश प्रसाद ने बताया कि 24, 25 और 26 मई को लालू ने भोजन नहीं किया। लालू को अपने वार्ड में अत्यधिक बेचैन देखा गया और उन्हें नींद न आने की भी शिकायत थी, लेकिन उन्हें जब समझाया गया कि दवाइयां लेने के लिए भोजन जरूरी है, तो वो अब सामान्य भोजन ले रहे हैं और उनका स्वास्थ्य भी ठीक है। आपको बता दें कि लालू यादव जेल में हैं। उन्हें चारा घोटाले के 3 मामलों में 14 साल की सजा मिली है।